टाटा ग्रुप के शेयरों को निवेशकों के बीच काफी पसंद किया जाता है। इसकी एक वजह लंबी और छोटी दोनों अवधि में उनका स्थिर रिटर्न देना है। टाटा ग्रुप की ऐसी ही एक कंपनी टाटा एलेक्सी लिमिटेड है। 1979 में शुरू हुई ये एक मिड कैप आईटी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल 59.15 हजार करोड़ रुपए है। टाटा एलेक्सी ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को दोगुने से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। टाटा एलेक्सी के शेयर गुरुवार 11 अगस्त को NSE पर 0.33% के उछाल के साथ 9,493 रुपए पर बंद हुए। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में करीब 19.29% की तेजी आई है। वहीं इस साल अब तक ये शेयर करीब 61% चढ़ चुका है। एक साल पहले 12 अगस्त 2021 को टाटा एलेक्सी के शेयर NSE पर 4,293.60 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहे थे, जो अब बढ़कर 9,493 रुपए पर आ गया है। इसने इस तरह पिछले एक साल में अपने निवेशकों को 121% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 सालों में इसने अपने निवेशकों की संपत्ति में करीब 1,030% का इजाफा किया है। टाटा एलेक्सी ने बीते 14 जुलाई को मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए थे। कंपनी ने बताया कि जून तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 62% बढ़कर 184.72 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही में 113.37 करोड़ रुपए था। वहीं कंपनी का रिवेन्यू जून तिमाही में सालाना आधार पर करीब 30% बढ़कर 725.9 करोड़ रुपए रहा, जो इसके पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 558.31 करोड़ रुपए था। टाटा एलेक्सी ने बताया कि जून तिमाही में उसका कुल खर्च 20% बढ़कर 508.18 करोड़ रुपए रहा, जो इसके पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 421.88 करोड़ रुपए था। एनालिस्ट का कहना है कि मिड कैप आईटी कंपनी टाटा एलेक्सी की रिवेन्यू ग्रोथ स्टेबल रही है, जबकि उनका मुनाफा उम्मीद से बेहतर रहा है। यही वजह है कि नतीजों के ऐलान के बाद इसके शेयरों में बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज फर्म शेरखान ने कंपनी के ग्रोथ की मजबूत संभावनाएं, आगामी डील्स और नियमित डिविडेंड भुगतान को देखते हुए टाटा एलेक्सी पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है और स्टॉक के लिए 9,750 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।